हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने बनाया है भिंडी मसाला। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे ये पहले मैंने ये लिया है आधा किलो भिंडी। इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है, तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने एक भिंडी को दो दो पीसेस में बीच में से कट कर लिया है और इसको ऐसे करके मैंने इसमें एक निशान बना दिया ताकि इसमें जो मसाले हैं वो पूरा जा सके। अब इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके बाद इसमें हम सैलो फ्राई करने लायक भिंडी को मस्टर्ड ऑयल लेंगे। तो ये हमने 3 से 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया। इसे अच्छे से बिल्कुल आप जला लेंगे ताकि धुआं निकले, और इसे ये बिल्कुल कच्चा नहीं होना चाहिए आपका मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद ये बिल्कुल गर्म हो जाए तब इसमें हम जो हमारा जो भिंडी है इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। तो इसे बहुत ही आराम से करना है आपको शैलो फ्राई, बिल्कुल गोल्डन होने तक। और ये जो हमारा है ये हो चुका है शैलो फ्राई। अब इसे हम निकाल लेंगे, तो एक एक करके हम सारे भिंडी को निकाल लेंगे। बिल्कुल आधी पकानी है हमें, ज़्यादा नहीं। अब उसी कढ़ाई में हम फिर से मस्टर्ड ऑयल 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हमें कुछ नहीं ऐड करना है चौके के लिए, ना जीरा ना मिर्च ना राई, कुछ भी नहीं। सिंपल सा हम एक बड़ा प्याज लेंगे, उसको हम पीस लेंगे। तो एक प्याज हमने लिया है बड़ा सा, उसको हमने पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। अब वो हम इसमें ऐड करेंगे सिर्फ गर्म तेल में, और इसे हम अच्छे से रेगुलर जैसे आप भूनते हैं वैसे हम भूनेंगे इस प्याज को ब्राउन होने तक। ये बिल्कुल हमें अच्छे से भुनना है इस प्याज को। ये प्याज आधा हो जाएगा खुद ब खुद, आप देख लेंगे ये हो चुका है। अब इसी के साथ हम अदरक लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट लेंगे 1 चम्मच। तो रेगुलर अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर आप लाल मिर्च नहीं भी ऐड करते तो कोई बात नहीं। अब इसी प्याज के साथ हम अदरक और लहसुन का पेस्ट भुनेंगे। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया, अगर आप लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो ऐड करें, नहीं तो नहीं करें। तो ये मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, और इसके बाद इसे हम दोनों को इकट्ठा करके हम भूनेंगे। फिर ये उसके बाद इसमें जाएगा 1 टमाटर। तो 1 टमाटर लिया मैंने, तो 1 टमाटो को मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसमें हम इस मसालों में टमाटो ऐड करेंगे, तो ये मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। अब इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। और जैसे जाएगा टमाटर ऐसे जाएगा हमारा नमक, तो स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो ये मैंने नमक लिया है, और अब बारी है सूखे मसाले की। इसमें सिंपल सूखे मसाले वही जाएंगे, रेगुलर 4 मसाले। ये मैंने आधा चम्मच हल्दी लिया है, आधा चम्मच छोटे चम्मच से लाल मिर्च पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये लिया मैंने धनिया। और कोई मसाले इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, बस इसमें 3-4 मसाले ही हैं जो रेगुलर आपके घर में मिल ही जाते होंगे। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे। तो जैसे मसाला आप भूनते हैं अपने घर में डेली लाइफ में, वैसे ही आपको ये मसाला तैयार कर लेना है। और इसके बाद जो हमने जो फ्राई किया हुआ जो भिंडी है वो इसमें हम ऐड करेंगे, और इसे भी हमें भूनना है। तो धीमी आंच ही रखेंगे इसे हम, और धीमी आंच पर ही इसे हम स्लो, बिल्कुल मीडियम भी नहीं करना आपको, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही सब कुछ कुकिंग प्रोसेस करना है। तो अब ये भुन गया है हमारा, और इसमें हम अब हम ऐड करेंगे दही। तो ये हमने खट्टी बिल्कुल आपको दही नहीं लेनी है, ये मैंने आधा कटोरी दही लिया है, इसको मैंने अच्छे से बिल्कुल फैट लिया है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये दही मैंने भिंडी मसाला में ऐड कर दिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। तो सब कुछ मिक्स हो जाना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसमें कम से कम आधा ग्लास आप पानी इसमें ऐड करेंगे अभी भुनने के बाद। तो इसमें हमने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा ही पानी अभी ऐड करना है आपको। और फिर इसमें
आप अपने अंदाजे से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें आधा ग्लास बस पानी ऐड किया है और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फिर से मैंने रख करके इसको भुना है। और इसका जब तक ये मसाला सूख जाता है, आप देख सकते हैं सब कुछ इसमें सूख चुका है, पानी, दही, मसाले, तब तक हम इसे भुनेंगे। और इसके बाद लास्ट में हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। तो ये गरम मसाला है, घर का बना हुआ है, आप कोई भी गरम मसाला आधा चम्मच इसमें ऐड कर दें और इसके बाद फिर इसे हम भुनेंगे। और ये ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, तो ये डन है हमारा भिंडी मसाला भी, इसे हम बॉल में सर्व करेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से है ये रेसिपी, आप इसको रोटी के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है। कैसी लगी ये रेसिपी आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।